वॉर को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद, जो इसके पहले अनजाना अनजानी, बचना है हसीनों और बैंग बैंग जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको वॉर के हमारे क्विक रिव्यू में बताया था, फिल्म हमें डिसअपॉइंट नहीं करती है, निराश नहीं करती है। भले ही फिल्म की कहानी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी फिल्म के साथ हम आखिर तक जुड़ पाते हैं, जुड़े रहते हैं। देखिए, इसकी कहानी लगभग हमें इसके ट्रेलर से ही पता चल गई थी। वॉर के मैंने आज से 15-20 दिन पहले जो सहरा वर्सेस वॉर पर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जैसा इसकी कहानी को इमेजिन किया था, लगभग लगभग 90% फिल्म की कहानी वैसी ही है। बस आखिर के 10-15 मिनट में उन्होंने एक ट्विस्ट डाल दिया है। अब क्या वो ट्विस्ट हमें सरप्राइज कर पाता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा इस फिल्म की कुछ बातें मुझे उतनी पसंद नहीं आई, या वो और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, ऐसी कई सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये एक स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी और आप कोई स्पॉइलर नहीं चाहते हैं, तो पहले आप फिल्म देखिए, उसके बाद ही आगे का आप वीडियो देखना। देखिए, फर्स्ट हाफ में हमें पता चल जाता है कि कबीर लुथरा, जो कैरेक्टर ऋतिक रोशन ने प्ले किया है, वो बागी हो गया है। उसने ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर दिया है और देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों की वो हत्या कर रहा है। अब यहाँ पर ये फिल्म हमें कोई कंफ्यूज नहीं करती कि कबीर ऐसा क्यों कर रहा है, या कबीर गद्दार है, कबीर देशद्रोही है, ऐसा विचार भी हमारे मन में नहीं आता। हमें अंदर से पता होता है कि भाई ज़रूर देश की सुरक्षा से जुड़ा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा, रीज़न होगा उसके पास में, कबीर के पास, तभी वो इस हद तक जाकर देश की सुरक्षा से जुड़े लोगों की हत्या कर रहा है। वो कोई हमें गद्दार देशद्रोही लगता नहीं पूरी फिल्म के दौरान कहीं पर भी, और उस प्रकार से फिल्म हमें सोचने को मजबूर भी नहीं करती। इसके बाद में फर्स्ट हाफ में ही कबीर और खालिद खान, इन दोनों के बीच के रिलेशन को समझाने के लिए फिल्म हमें फ्लैशबैक में लेके जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि खालिद खान एक गद्दार का, एक देशद्रोही का बेटा है, और वो देश के प्रति अपनी ईमानदारी को, देश प्रेम को साबित करके दिखाना चाहता है कबीर की टीम में शामिल होकर। पर कबीर शुरुआत में मना करता है, वो कहता है कि इसके पिता ने गद्दारी की थी तो इसका क्या भरोसा, ये भी देश के साथ गद्दारी कर सकता है। लेकिन इसके बाद में इराक में एक मिशन के दौरान एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के आतंकवादियों को मशीन गन के द्वारा मारकर खालिद अपने देश प्रेम को, अपनी ईमानदारी को साबित करता है और कबीर का विश्वास जीत लेता है। इसके बाद में आखिर तक फिर खालिद फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है, और आखिर तक फिर खालिद कबीर के पीछे पड़ा रहता है उसे पकड़ने के लिए, और ये जानने के लिए कि आखिर उसके गुरु, जिनसे उसने इतना कुछ सीखा है, वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये जानने की वो आखिर तक कोशिश करता रहता है। और जब उसे ये रीज़न पता चल जाता है, तो वो दोनों एक साथ आ जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन फिर, अब यहाँ तक की कहानी तो ट्रेलर से हमें पता चल गई थी, लेकिन इसके बाद वो एक अलग ट्विस्ट जो उन्होंने कहानी में थोड़ा बहुत चेंज किया है, वो यहाँ पर आता है। एक प्लास्टिक सर्जरी वाला ट्विस्ट, यानी खालिद खान को पहले ही मार दिया गया था एक सौरभ नाम के गद्दार के द्वारा, और जो रिजवान इलियासी, जो टेररिस्ट का मास्टरमाइंड है, उसने सौरभ की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसको, उसका चेहरा खालिद जैसा बना दिया था और उसको ही यहाँ पर उनकी स्पेशल टीम में भेजा था। यानी अब तक हम जिसे खालिद खान समझ रहे थे वो सौरभ था, और वही रिजवान इलियासी का चौथा प्यादा है। अगर हम बात करें इस ट्विस्ट की, तो मुझे इसका ट्विस्ट उतना पसंद नहीं आया। यानी अगर कुछ ऐसे कुछ क्ल्यूज़ उन्होंने शुरुआत में हमें दिए होते, या ये जो निगेटिव कैरेक्टर है उसे और एक्सप्लोर उन्होंने किया होता, तो शायद ये ट्विस्ट हमें सरप्राइज भी करता। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी, वो यही है कि उन्होंने इस निगेटिव कैरेक्टर को एक्सप्लोर नहीं किया, उसको और अच्छे से हमारे सामने नहीं रखा है। उस निगेटिव कैरेक्टर के कई अलग अलग पहलू हमें उन्होंने इस फिल्म में नहीं दिखाए कि वो आखिर देश के साथ गद्दारी क्यों करता है, इसके पीछे का उसका रीज़न क्या है। उस निगेटिव कैरेक्टर को और स्ट्रांग उन्हें बनाना चाहिए था। अभी उन्होंने क्या कर दिया है, वो देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहा है, वो एक लाइन में उन्होंने एक सीन में बात कहकर ख़त्म कर दी। कि एक सीन में सौरभ कहता है कि भाई देश की सेवा करके हमें क्या मिलता है, 70,000 रुपये, यहाँ पर मुझे देश के साथ गद्दारी करके 7 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, और बस इन पैसों के लिए वो इतना एग्रेसिवली, पैशनेटली देश के साथ गद्दारी कर रहा है, ऐसा हमें दिखाया गया है। और ये बात हमें लॉजिकल नहीं लगती है कि कोई व्यक्ति केवल पैसों के लिए इतना एग्रेसिवली, इतना पैशनेटली देश के साथ गद्दारी करे। बिल्कुल करते हैं, पैसों के लिए देश के साथ गद्दारी लोग करते हैं, लेकिन इतना लगन से, इतना मतलब शिद्दत से कोई देशद्रोह करे, गद्दारी करे, ये उतना हमें लॉजिकल पॉसिबल नहीं लगता है। हाँ, किसी विशिष्ट मतलब कोई सिस्टम से परेशान हो, या उसे उसकी कोई पर्टिकुलर विचारधारा हो, आइडियोलॉजी हो, या वो कुछ साबित करके दिखाना चाहता है, कोई बहुत बड़ी चोट उसे लगी है, ऐसा कोई रीज़न अगर सौरभ के पास में होता, तो शायद वो कैरेक्टर हमें और लॉजिकल लगता है। ऐसे कुछ अलग अलग पहलू उस कैरेक्टर के हमें दिखाने चाहिए थे। जो व्यक्ति पैसों के लिए अपना ईमान बेचता है ना, उसका ज़मीर इतना मजबूत नहीं होता, इतना स्ट्रांग नहीं होता। यानी देखिए, पैसा उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो ऑब्वियसली
वो एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है, अच्छा जीवन चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, तभी वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। नहीं, देश से गद्दारी से भी ज़्यादा उसके लिए पैसा महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसा व्यक्ति पकड़ा भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना, मतलब इस हद तक जाकर कि वो खुद की जान भी दे दे, पर वो देश के साथ गद्दारी करेगा ही करेगा, ये उतना, ये कोई प्रॉपर रीज़न नहीं लगता सौरभ की गद्दारी का। वैसे देश के साथ गद्दारी करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अलग, मतलब किसी का अगर ब्रेन वॉश हो गया है आतंकवादियों के द्वारा, या और कुछ ऐसा रीज़न है, सिस्टम से कुछ परेशानी है, या उसकी कुछ पर्टिकुलर विचारधारा है, तो बिना पैसों के भी लोग सुसाइड बॉम्बर भी बन जाते हैं, या खुद की जान भी देते हैं देश की गद्दारी, देश के साथ गद्दारी के लिए। तो उसके लिए पैसे की ही ज़रूरत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न सौरभ के पीछे उनको दिखाना चाहिए था, सौरभ के कैरेक्टर को और उनको एक्सप्लोर करना चाहिए था, उसको कुछ पास्ट उनको दिखाना चाहिए था कि आखिर ऐसे क्या वजह होगी कि वो इस हद तक आ रहा है। ये अगर उस कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता, एक स्ट्रॉन्ग विलन, एक स्ट्रॉन्ग निगेटिव कैरेक्टर फिल्म में होता, ये फिल्म और बहुत बेटर हो सकती थी। जैसे देखिए, मिशन इम्पॉसिबल के भी कुछ पार्ट में कुछ ऐसे ही एजेंट्स को बागी होते हुए या देश के साथ गद्दारी करते हुए दिखाया है, पर वहाँ पर उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न या उनकी कुछ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, विचारधारा दिखाई जाती है। या आपको भी कोई ऐसा विलन बहुत पसंद हो, जो विलन का कैरेक्टर, उसको भी आप याद करिए, पैसों से भी ज़्यादा उसकी एक पर्टिकुलर, उसके अंदर का एक दर्द होता है, या कुछ ऐसी, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न उसके पास में होता है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है, ब्रेन वॉश हुआ माइंड होता है, या वो साइको होता है, ऐसा कैरेक्टर होता तो ये फिल्म और बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। यानी देखिए, विजुअल्स पर उन्होंने इतना खर्चा किया है, एक्शन सीक्वेंसेस और विजुअल्स पर ही फिल्म का पूरा फोकस है। और जिन्हें हॉलीवुड स्टाइल की एक्शन अगर वो कोई देखना चाहता है तो बिल्कुल उनको ये फिल्म डिसअपॉइंट नहीं करेगी, निराश नहीं करेगी, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन फिल्म का पूरा फोकस बस विजुअल्स और एक्शंस पर ही था। कई कई सीन्स तो ऐसे हैं जहाँ पर एक्शन के पीछे कोई प्रॉपर रीज़न भी नहीं है। जब टाइगर श्रॉफ की एंट्री होती है, वो बस एक जो एक्शन सीक्वेंस है वहाँ पर, ऐसे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस जिसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है चलो वो है इसलिए है। अगर उन एक्शन सीक्वेंसेस के पीछे कुछ प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रीज़न होता तो उन्हें देखने में हमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आता, अंदर से हमारा भी खून खोलता है कि यार मारो इसको। ये अंदर से जो एक इमोशंस, जो खून खोलने वाली एक भावना हमारे मन में आती है ना कोई एक्शन सीक्वेंस देखते समय, वो बात हम मिस करते हैं, इमोशंस। बस विजुअल्स, अच्छे अच्छे फॉरेन लोकेशंस, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का लुक, और चेसिंग सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस, फाइट सीक्वेंसेस, ये सारी बातें बस हमें फिल्म में इंप्रेस करती है। तो वहाँ पर इतना फोकस किया है तो स्टोरी पर भी उनको और ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, और कुछ ट्विस्ट टर्न्स फिल्म में डालने चाहिए थे, क्योंकि 90% कहानी तो प्रिडिक्टेबल ही है। वहाँ पर हम कुछ फिल्म सोचने के लिए मजबूर नहीं करती यार अब आगे क्या होगा, कबीर गद्दार तो नहीं है, कबीर देशद्रोही तो नहीं है, मतलब उस प्रकार से फिल्म हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर ही नहीं करती। और 10% या 5% पार्ट में अगर कोई एक ट्विस्ट डालकर वो चाहते कि ऑडियंस सरप्राइज हो जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आखिर में मैं वही कहूँगा जो मैंने हमारे क्विक रिव्यू में बताया था, अगर स्टोरी आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बस आप एक्शन सीक्वेंसेस, विजुअल्स वगैरह देखना चाहते हैं, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को एक ही फिल्म में एक साथ में फाइट करते हुए देखना चाहते हैं, उनके लुक्स को आप देखना चाहते हैं, तो आपको ये फिल्म डिसअपॉइंट नहीं करेगी, निराश नहीं करेगी। मैं वॉर को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।